आइए एक छोटा सा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पर बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर का यूज करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप एसक्यूएल सर्वर का प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो एसक्यूएल सर्वर जो मैं यूज कर रहा हूं उसे आप अभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो नेट से कनेक्ट हो जाइए, फिर आप एसक्यूएल सर्वर का यूज कीजिए। अब यहां से सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर लिया। यहां पर अब हमें न्यू डेटाबेस बनाना है। ये पुराना डेटाबेस मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। अब ये क्लोज कर दिया, अब यहां पर न्यू डेटाबेस बनाना है। तो ये यहां से जाकर के न्यू डेटाबेस पे जाएंगे। अब इस डेटाबेस को एक नाम दे देता हूं, लाइक मैं इसको नाम दे देता हूं प्रोडक्ट डी। डी यानी डेटाबेस, तो ये नाम दे दिया प्रोडक्ट डी और एंटर प्रेस किया तो ये यहां पर एक डेटाबेस प्रोडक्ट डी नाम से आ जाएगा। अब हमको इसके लिए टेबल बनानी है, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। जब क्लिक करेंगे तो यहां नीचे टेबल्स दिखाई पड़ेंगी, तो यहां टेबल पे जाइएगा, यहां से न्यू पे चले जाइए और यहां से टेबल पर आ जाइए। यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं कस्टमर आईडी, तो ये दे दिया मैंने कस्टमर और अंडरस्कोर आईडी इस तरीके से। अब यहां एन कैर ही रहने देता हूं, आप चाहे तो इंटीजर भी डाल सकते हैं। यहां पर करता हूं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट या फिर कस्टमर नेम भी कर सकते हैं आप, तो ये लिख दिया कस्टमर अंडरस्कोर नेम इस तरीके से। तो ये हो गया कस्टमर नेम, एन कैर रहने देता हूं। और यहां पर प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का नेम यहां पे आ जाएगा और फिर यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी। तो प्राइस के लिए एक खास डेटा टाइप बना हुआ है यहां पर मनी डेटा टाइप, तो यहां पे मनी डेटा टाइप डाल देता हूं और यहां पे कर देता हूं यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को मैं फ्लोट रखता हूं अभी, तो यहां पे फ्लोट रख दिया मैंने। और यहां पर कर देता हूं अब क्या चीज, यहां पे टोटल मैं नहीं करता, मैं सीधा क्या करता हूं अब इसको क्लोज करूंगा। ये हमने बना लिया डेटाबेस, अब यहां से यस करके और इसे सेव करूंगा। तो यहां पे मैं कर देता हूं इस डेटाबेस का नाम, जैसा कि मैंने दिया था प्रोडक्ट डी नाम से, इसको सेव कर देता हूं। तो ये सेव हो गया, प्रोडक्ट डी नाम से आ जाएगा। जब ये टेबल हम देखेंगे तो ये प्रोडक्ट डी नाम से आया होगा नीचे। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट डी नाम से ये टेबल बन चुका है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ एडिट टॉप 200 रोज इस पे जाएंगे और इसके बाद जाने के बाद ये देखिए ये जो है पूरा पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको ड्रैग करके बढ़ा लीजिए। ये हमने बढ़ा लिया इसको। अब यहां पर कस्टमर आईडी आ रही है, तो मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसकी आईडी है एस डबल 1001, ठीक है। कस्टमर का नेम है राम, ओके, यहां पे आके आर ए एम राम, ओके। और प्रोडक्ट का नेम यहां पे आएगा, तो प्रोडक्ट का नेम मान लीजिए है कीबोर्ड कर देता हूं और प्राइस इसकी है 220 रुपए और यहां पर यूनिट है 50, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहां पर आता हूं तो यहां पर करता हूं एस 1000 एस 1000 टू, ये कस्टमर आईडी है और यहां पर है अवनी, ये नाम डाल दिया हमने। और यहां पर कर देता हूं मैं माउस MOUSE माउस, और यहां पर अब प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर कर देता हूं 120 रुपए और यहां पर क्वांटिटी यानी कि यूनिट डाल देता हूं, कितने यूनिट परचेज किए तो वो 60 कर देता हूं। यहां पर करता हूं S 1003 और यहां पर कर देता हूं मैं गौ पर। थोड़े कस्टमर्स के नाम मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डाला है, तीन ही कस्टमर है। अभी इसको क्लोज कर देते हैं यहां से, तो ये क्लोज कर दिया हमने। अब करना क्या है, अब हमें एक क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी बनाने के लिए न्यू क्वेरी पे सीधे चले जाइए और यहीं पे हम क्वेरी बनानी है हमको। तो यहां पे पहले लिखता हूं मैं सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट कहां से करना है, तो यहां पे डेटाबेस का नाम है प्रोडक्ट डी, तो यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट डी। तो ये देखिए प्रोडक्ट डी आ रहा है, इसको ले लेता हूं और अब इसको एक्सिक्यूट करवा के दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए यहां से जाकर के और इसको सिलेक्शन में ले लेता हूं पूरा
और यहां पर फिर इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो आप देख पाएंगे कि जो हमने डेटाबेस बनाया है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब बात है कैलकुलेट करने की, यानी कि प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, तो ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करना देता हूं, क्या क्या सेलेक्ट करना है, लाइक कस्टमर आईडी करना है, तो ये लिख दिया हमने कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये कस्टमर आईडी हो गया, कॉमा देंगे। अब क्या सेलेक्ट करना है, कस्टमर का नेम, तो यहां पर लिख दिया फिर कस्टमर और फिर अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से ये दे दिया हमने, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट का नाम लेना है, तो यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट भी कर लिया हमने, कॉमा दे देंगे। अब हमको यहां पे कैलकुलेट करना है, किसको किसको कैलकुलेट करना है, देखिए यहां पर प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां लिख दिया प्राइस, ठीक है, और इनटू का साइन लगाया और लिखेंगे यूनिट, तो प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका टोटल हमको देखना है, तो यहां लिख देता हूं एज टोटल, ऐसे ही आपको लिखना है। और एज टोटल लिखने के बाद, इसलिए कि हमने ये नहीं बताया कि ये आएगा कहां से, तो ये लिख देता हूं फ्रॉम, ये आएगा प्रोडक्ट डी से, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट डी, ये दे दिया हमने प्रोडक्ट डी। अब ये प्रोडक्ट डी जब यहां पे आ जाएगा तब फिर इसको हम सिलेक्शन में लेंगे लाइक दिस, ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरा हमने ले लिया सिलेक्शन में, और यहां से अब एक्सिक्यूट कर देंगे इसको, तो जब एक्सिक्यूट करेंगे तो यहां टोटल भी कैलकुलेट होकर आएगा। अब दोनों ही टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए दोनों ही टेबल दिखाता हूं, तो ये मैं पूरा सिलेक्शन में ही ले लेता हूं, कंट्रोल ए प्रेस करके ये सिलेक्शन में ले लिया और यहां से एक्सिक्यूट कर दिया, तो ये दोनों ही आप देख सकते हैं रिजल्ट दोनों ही क्वेरी का, कि ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और ये प्रोडक्ट का नाम है, और यहां पे प्राइस लिखी हुई है और ये है यूनिट, तो प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करके नीचे जो है आपका रिजल्ट शो हो रहा है। इस तरह से आप इस डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, आगे के वीडियोस में और भी बेहतर तरीके से इसे सिखाऊंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।